मठरी, ये है इनका समोसा और ये है इनका मटन। ये देखिए शायद 2 क्विंटल दूध निकलता है। कितना? 2 क्विंटल 200 किलो। हाँ चाय बहुत अच्छा है, मिठाई भी पलंग तोड़ बहुत बिजोड़ है। पलंग तोड़ मिठाई? हाँ जी। अच्छा अमूल पाउडर का। अच्छा जी, ये देखिए भाई ये है इनका एक बार। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरी इस नई सी वीडियो में। जहाँ आज मैं कहाँ पे खड़ा हूँ ये देखिए, सामने है खुसरूपुर और खुसरूपुर के ओवरब्रिज के आगे बढ़िएगा तो दिखेगा आपको, मंदिर के ठीक आगे बढ़िएगा दिखेगा आपको ये मोनू टी स्टॉल। आपको लग रहा होगा टी स्टॉल में क्या कुछ खास है, लेकिन शाम के टाइम अगर आइएगा यहाँ पे पूरा पटरी फुल रहेगा, ट्रेन से नहीं लोगों से। लोग यहाँ इतना भीड़ होता है कि लोग यहाँ ट्रेन पे पटरी पे बैठ करके चाय पीते, क्योंकि पूरा का पूरा जो है ना ये क्राउड से भरा होता है यहाँ पे। क्या क्या है यहाँ पे दिखाते हैं आपको एक बार हम, आइए एक बार। बहुत बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल दुकान दिख रहा होगा आपको ये कि लिट्टी समोसा दिख रहा है, लेकिन बहुत पॉपुलर दुकान है ये लोगों के लिए। यहाँ पे रखा हुआ है आपको लिट्टी, ये है मठरी, ये है इनका समोसा और ये है इनका मटन। ये देखिए शानदार सा मटन है, दिखाइए एक बार निकाल करके मटन का पीस। ये देखिए भाई साहब ये निकला, ओहो हो, ये है चना और आलू का सब्जी। मटन नहीं है हर जगह, मटन उम्मीद मत कीजिए। समोसे के साथ क्या मिलेगा खाने के लिए? आलू और चने की सब्जी, तो मटन मिलेगा नहीं। इधर देखिएगा तो आपको दिखेगा चंद्रकला, जो कि बिहार का फेमस डिश है। और इधर देखिए गर्मा गर्म सा समोसा तला रहा है, मतलब यहाँ पे चीज़ें ना बिल्कुल गर्मा गर्म मिलते रहेगी आपको। और ये है इनका रखा हुआ मठरी। और एक चीज़ देखिए, मठरी में पता है स्वाद किस चीज़ का होता है? वो होता है गोलकी का। ये देखिए, और गोलकी लगने के बाद ना स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है मठरी का खास करके। और यहाँ पे मिलेगा आपको क्या बोलते हैं इसको, आइटम बम। ये देखिए भाई साहब, अगर पटक दिए ना आपके ऊपर में हम तो आपको शुगर हो जाएगा। मजाक कर रहे हैं, मतलब एक बार खा लीजिए ना एक पीस आप तो मन भर जाएगा आपका, ऐसा मिठाई है। बहुत साइज़ बहुत बड़ा है इसका, एक बार देखिए फिर से दिखाते हैं आपको। ये देखिए भाई साहब, और गांव के लोग ना मिठाई के बहुत शौकीन होते हैं, इसीलिए ना चीज़ों को बड़ा बनाया गया है ताकि 2 पीस खाइए और खुश हो जाइए। बहुत बहुत जो है भारी मिठाई है ये, मतलब ये कहे कम से कम 250 ग्राम का मुझे लग रहा है एक पीस होगा। यहाँ पे रखा हुआ है राजभोग और सब बनता है प्योर दूध का, काला जामुन और ये है इनका रसगुल्ला। मिठाई की वैरायटी बहुत सारी, आप गाँव में आ करके ना इतना वैरायटी मिठाई का बहुत कम देखिए, ऐसा लग रहा है मानो हल्दीराम में खड़ा है। ये देखिए इसे बड़े बड़े ब्रांड में मिलता है आपको इस तरह का मिठाई, बहुत शानदार क्या। अच्छा ये देखिए काजू की बर्फी है, और ये क्या है ये अमूल बर्फी। अमूल क्या होता है? अमूल का बर्फी, काजू अमूल का पाउडर दूध में। अच्छा अमूल पाउडर का। अच्छा जी ये देखिए भाई, ये इनका एक बार दिखाइएगा मुझे एक पीस, बहुत शानदार है भाई साहब। और ये मिठाई मतलब आज तक मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, अमूल का होता पाउडर उसका बनता है ये बर्फी। एक पीस दिखाइए मुझे, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ऐसा लग रहा है काजू का बर्फी है ये, लेकिन ये बना है अमूल के पाउडर से, लेकिन कड़ा है ये, हल्का कड़ा है, टाइट टाइप का है। और वाह बहुत बढ़िया है यार, मतलब ये लग रहा ना अमूल के पाउडर को हम खा रहे हैं जमा करके, बहुत सुंदर टेस्ट है। अमूल के पाउडर खाते हैं जो बचपन में हम लोग खाते हैं, अभी भी खाते हैं हम लोग, मन करता है तो 5 बार लेते हैं पुड़िया और खाते हैं, बस वही टेस्ट इसको मिलता है आपको, बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ का फेमस क्या है? चाय, चाय के लोग यहाँ दीवाने हैं, तो हम लोग चलते हैं एक बार। फेवरेट है मिर्जाई। हाँ जी पूरे गांव का। हाँ मिर्जाई तो भाई साहब आपको गांव का फेवरेट, मतलब इधर आइएगा ना खुसरूपुर फतुआ में, फतुआ में तो आपको मिर्जाई बहुत मिलेगा खाने के लिए। तो हम लगवा एक बार देखते हैं कि चाय इनका कैसे बनता है और फिर करेंगे टेस्ट, बताएंगे कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर जो है दूध जो है चढ़ गया है और उसको उबाल रहे हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर आएगा चाय पत्ती, ये देखिए। तो यहाँ पे है मनोज जी जो कि यहाँ के रेगुलर कस्टमर है ना। और क्या रेडी आते हैं? रेडी आते हैं, हाँ ऐसा बात नहीं है, सुबह शाम चाय पीने के लिए आते हैं, ठोर में ठोर सड़ जाता है। चाय बहुत अच्छा है, मिठाई भी पलंग तोड़ बहुत बिजोड़ है। पलंग तोड़ मिठाई? हाँ जी। अच्छा हाँ वो क्या होता है पलंग तोड़ मिठाई, होता क्या है पलंग तोड़ मिठाई, मतलब खाने के बाद? हाँ बहुत बिजोड़ मजा आता है। हाँ खाने के बाद ऐसा समझ लीजिएगा कुछ उल्टा पुल्टा वाला ना। नहीं नहीं उल्टा पुल्टा करने से क्या। अच्छा तो चाय मतलब यहाँ के लोग मतलब दीवाने चाय के हैं? बहुत बहुत, पटना से मोकामा तक जोड़ा नहीं है भाई, जोड़ा नहीं मिलेगा ना। 7 रुपए कप चाय है। हाँ। तो मतलब ये कहें कि चाय जो है ना बढ़िया है, वैसा चाय नहीं है यहाँ पे कि डिग्री लगा करके नाम लगा करके चाय चल रहा है 20 रुपया कप 30 रुपया कप, छोटा सा गिलास मिलता है पटना। यहाँ शुद्ध मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा। गाँव में तो भाई मजा है, दूध यहाँ का अपना होता है, यहाँ से दूध तो सप्लाई होता है और वही सप्लाई वाला दूध यहाँ पे मिल जाता है, एकदम ओरिजिनल दूध। ओरिजिनल दूध है। हाँ अपना गाय भैंस का दूध है। पानी वाला नहीं, पानी वाला दूध नहीं रहता। अच्छा
एकदम न्यूट्रल पानी रहेगा तब दूधिया वापस वापस नहीं है यही वापस कर दीजिएगा। हाँ जी सुनते हैं कि इसको खाटी बोलते हैं खाटी दूध। हाँ खाटी दूध का चाय है। वाह जी वाह क्या बात है। तो एक बार हम लगवाते हैं अपना चाय और देखते हैं। कहते हैं कि शाम के टाइम पूरा भीड़ लगता है यहाँ पे पूरा पूरा है ना। बहुत भीड़ शाम लगता है मतलब ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि पूरा सब रेलवे ट्रैक पे बैठ के सब चाय पीता रहता है अपना है ना। वहाँ कितना कप निकलता हो पर डे यहाँ पे पर डे कितना कप निकलता हो कितना किलो कितना लीटर चाय निकलता हो यहाँ पे। चाय तो 2 क्विंटल दूध का निकलता है। कितना 2 क्विंटल 200 किलो 5000 कप। अच्छा मतलब भाई साहब ये तो वो वाला बात हो गया मतलब चाय की ही चाय मतलब चाय के लोग दीवाने इसका मतलब यहाँ पे है। 200 किलो दूध का चाय निकलता है भाई साहब यहाँ पे। तो हम देखते हैं चाय बनता है कैसे इनका और फिर हम लोग करेंगे टेस्ट बताएंगे कि यहाँ का टेस्ट जो है वो कैसा है। ये देखिए एकदम यहाँ पे शीशा का गिलास रखा हुआ है और चाय को ढारेंगे अब। और ये हमारा चाय खुसरूपुर का फेमस चाय जो है वो आ चुका है। इसको करते हैं अब टेस्ट बताते हैं कि इसका टेस्ट जो है कैसा है। तो अगर प्राइस की बात करें तो ये पड़ेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 7 रुपये का। सामने ट्रेन जो है वो खड़ा है और अभी इसके बाद जो ट्रेन आएगा ना ये हटिया पटना है। इसके बाद जो ट्रेन आएगा उससे हम लोग पटना की ओर लौटेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम लोग इस चाय को ट्राई कर रहे हैं। वाह ओटा ओटा के बनाया गया है चाय। हालांकि बहुत नॉर्मल चीज़ आपको हर गली नुक्कड़ चौराहे में मिल जाएगा चाय लेकिन यहाँ का चाय बहुत फेमस है। कभी शाम के टाइम मौका मिले ना तो खुसरूपुर आकर एक बार देख लीजिएगा कि चाय का दीवानापन लोगों के अंदर में कैसा है। इसके लिए बहुत बढ़िया। तो हम ख़त्म करते हैं इस पूरे वीडियो को और मिलते हैं आपको एक फिर से एक नई जगह पे। तब तक के लिए क्या चाय पीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए और अपने भाई को फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय।